You are watching Unbound India. विशाल जी, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा जी। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं जी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जी, जी। कि हम कहाँ पर हैं और ये क्या खास जगह है। आप जो है देखिए, कुछ पूरे प्लैनेट्स पे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्लैनेट की हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स जो हैं प्रिजर्व हो पाते हैं चट्टानों में। तो आप जो खड़े हैं, ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाघ, जो बाघ केव्स है और मांडू के दक्षिण में नर्मदा है, ये नर्मदा से कुछ 10-20 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे ये जगह है। और बेसिकली ये डायनासोर की हैचरी है, टाइटनोसोर नाम के जो शाकाहारी डायनासोर होते थे, लंबी पूंछ लंबी गर्दन। तो यहाँ पर कई मरतबा, एक बार नहीं, बार बार यहाँ पर अंडे देने आया करते थे। वो स्थान है यहाँ पर उनके अंडे, यहाँ की एक विशेष चट्टान होती है लमेटा रॉक्स, लगभग वो 6.5 करोड़ साल पुरानी होती है, उसमें हमको इसके अंडों के प्रिजर्वेशन मिलते हैं। ना केवल अंडे, घोंसले, एक घोंसले से दूसरे घोंसले की दूरी, अंडे, और फिर अंडे में भी बहुत सारे विविधता के टाइटनोसोर और सोरोपोड डायनासोर के अंडे। आपने जब ये अंडों की बात की और उनके घोंसलों की बात की, और जब आप जैसे ही डायनासोर बोलते हैं तो एक पीरियड की हमको एक झलक मिलती है। तो हमारे दर्शक जैसे ही इस बात को सुनेंगे कि ये डायनासोर की हम उस एरिए की उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम आज से कितने वर्ष पीछे हम जा रहे हैं, कितने शताब्दियों पहले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो पूरे पार्क की ज़मीन है, जब आप यहाँ की लमेटा चट्टानों के ऊपर खड़े होंगे, हम देखेंगे वो कैसी चट्टान होती है, आप देख के उन्हें खुशी होगी। लगभग हम 6.5 करोड़ साल पहले की धरती की जो धरातल है उस पर हम चले जाएंगे। वो लगभग मैस्टिक्टियन टाइम एज है, और ऐसा समझ लीजिए डायनासोरों ने जो धरती, हमारे ग्रह धरती पर बहुत समय तक साम्राज्य किया, उनकी हुकूमत रही। जब उनका विलुप्ति का समय था, उनका लास्ट वॉक समझ लीजिए, उस समय के ये नेस्टिंग यहाँ की डायनासोर की अंडस्थली है। तो ऐसी जगह पर आप खड़े हैं, और कुछ ज़मीन ऐसी है वो सेनुमेनियन काल के समुद्र की तलटी है। तो यहाँ दो तरह की ज़मीन मिलती है, लाजवाब है। बहुत बढ़िया। तो क्या हम चलें यहाँ से देखें कि कहाँ पर? हाँ, जरूर जरूर आए आप। चलिए आइए, देख डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क के हम जिस हिस्से में हैं, ये इसका कंपार्टमेंट नंबर 17 है। जब हम आगे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे एक चूने की एक सुंदर सी सफ़ेद परत दिखाई देती है। बेसिकली ये टैथिस समुद्र की गाद है, उसका सेडिमेंट है, उसका सी फ्लोर जो होता है उसमें बनी चट्टानें हैं। ये ट्यूरेनियन टाइम एज की हैं, ट्यूरेनियन काल की हैं। अब ये जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, तीन स्तरीय यहाँ पर हमको ज़मीन दिखाई देती है। ऊपर की जो सैंडस्टोन की जो लेयर है, मोटी सी लेयर, उसमें हमको मैस्टिक्टियन टाइम एज के लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के, शाकाहारी डायनासोर के अंडे मिलते हैं, जिसके लिए पार्क प्रसिद्ध है। और चूने की परत के नीचे, अभी ऊपर की ओर बात की, नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सैंडस्टोन मिलता है, जिसका निचला हिस्सा लाल रंग की मिट्टी जैसा है। तो ये निमार सैंडस्टोन कहलाता है, जिसमें सेनोमेनियन टाइम एज से लेकर ट्यूरेनियन टाइम एज के समुद्री जीवों के, और कुछ कुछ हमको कॉन्टिनेंटल जीवों के हमको अवशेष मिलते हैं, उसमें भी डायनासोर के हमको जो है अवशेष मिलते हैं। तो इस तरफ हम काफ़ी अच्छे जो प्रिजर्व घोंसले हैं डायनासोर के, वो देख पाएंगे। साथ में दूसरी तरफ जो यहाँ पर टैथिस समुद्र, जैसा मैं कह रहा था आपसे, उसकी जो ऑयस्टर्स सीपें होती हैं वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। और साथ में कुछ ट्रांसपोर्टेड, जहाँ ज़मीन ख़राब हो रही थी वहाँ से बहुत सुंदर घोंसले लाए हुए हैं, वो भी साथ में यहाँ पर हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी में, जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी में जो जो मिलता है, जो दर्शकों को देखा जाना चाहिए, जिससे धरती की हिस्ट्री अपडेट होती है, वो सारे के सारे प्रमाण जीवाश्म की शक्ल में, चट्टानों की शक्ल में यहाँ पर हम देखेंगे। और उससे आपको पता होगा कि इस मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश जो प्रदेश है, उसके पश्चिमी हिस्से में क्या क्या घटनाएँ हुई,
समुद्र का कैसे आना हुआ, वॉल्केनिज्म कैसे हुआ, उसके प्रमाण कैसे दिखते हैं, सीधे साधे दिखते हैं, पर किस तरह से सुंदर विज्ञान होता है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। देखिए अब जो है हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाघ का जो ज़मीन का जो सेक्शन है, जिन लेयर्स की हम बात कर रहे थे, उनमें से जो डायनासोर बेयरिंग रॉक्स हैं उनको हम देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद रंग की चट्टान हैं, परतदार हैं, और ये ही जो टैथिस समुद्र है उस समुद्र के छूटी हुई जो है गाद है, या उसका सी फ्लोर मान लें, या उसके सी फ्लोर में जो चट्टानें बन रही थी, इसको नोडुलर लाइमस्टोन कहते हैं, जैसा कि हमने बताया था ट्यूरिनियन काल की हैं। और इसके ठीक ऊपर बाग एरिया में या पार्क एरिया में हमें जो इस तरह के सैंडस्टोन मिलते हैं, इन चट्टानों को लमेटा चट्टान कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें डायनासोर के अंडे इन्हीं में से प्राप्त किए गए हैं, जो मैस्टिक्टियन टाइम एज के हैं, उनमें से आप देखिए ये एक अंडा है जो इस तरह की चट्टानों से ही रिकवर किया गया है। इसमें आपको एक्सेल का पूरा डिटेल दिख रहा है, ये सरफेस है, थोड़ा वेदर्ड है, आकार देख सकते हैं आप लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास, कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर के आसपास मिलते हैं, एक्सेप्शनली बहुत छोटे भी मिलते हैं, पर ये मोटे तौर पे इस तरह से पूरे कंप्लीट अंडे भी मिलते हैं जो अनहैच्ड हैं। तो इस तरह के अंडों का मिलना होता है इन्हीं चट्टानों से। अब इसके सरफेस पर जब हम आते हैं, हर जगह हमको सेक्शन नहीं मिलता है, सरफेस पर अंडों का दिखना कैसा होता है, उसका नेचुरल ऑकरेंस कैसा होता है, उसके लिए आप ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। ये इस तरह की चट्टानों को जो भी हमने चट्टानें देखी उसका ही एक भाग है। इसमें आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो लमेटा चट्टानों के टॉप पर जो सरफेस है, ज़्यादातर जो हमको दिखते हैं वो इस तरह से आपको ऐसे वृत्ताकार छल्ले दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं वृत्ताकार छल्ले, बहुत पतला है, और इन छल्लों में कभी कभी ये वास्तव में गोलाकार पिंड थे, अंडे थे। ऊपरी हिस्सा इसका वेदर्ड हो गया है या वॉश आउट हो गया है, हट गया यहाँ से किन्हीं कारणों से, क्योंकि करोड़ साल पुराने हैं, और तो हमको इस तरह से छल्ले दिखते हैं। कभी कभी चूंकि अंडा है तो ये किसके निकलने पर हमको इस तरह से अवतल या खोखली गोलाकार हमको आपको रचनाएं दिखाई देती हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये गोलाकार जो पिंड है ये वास्तव में अंडे ना हो, हो सकता है कि अंडे हो पर डायनासोर के अंडे ना हो। तो इसमें एक आपको जो है यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो इसमें एक्सेल का प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जो कोई भी अंडा है उसके छिलके का वहाँ पे बचा रहना बहुत ज़रूरी है, पहचानने के लिए कि वो डायनासोर के अंडे है या नहीं है और किसके अंडे हैं, किस डायनासोर के अंडे हैं। तो एक्सेल जो होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको ऐसी धारीदार रचनाएं दिखाई देती हैं, आप देखेंगे अंदर जो है डॉटेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, सरफेस पे खूब अच्छा आपको डॉटेड इसमें आप देखिए दोनों दिखाई देते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसी तरह से आप इसमें देखें इनर सरफेस पे आपको ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर, जो शाकाहारी डायनासोर हैं खासकर टाइटेनोसॉर, उसको पहचानने में ये हमको मददगार होते हैं। छोटी सी पहचान है, एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है कि हमको सरफेस के टॉप पे डॉट डॉट इस तरह से आपको बिंदुनुमा आपको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देंगे भीतर की ओर भी, और इसकी जो अंडे की खड़ी काट है उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो वो जो तीनों डिटेल है ये डिटेल उसको बाकी अंडों से बिल्कुल अलग करती है। एक अंडे की सरफेस शैली जो अंडे की छिलके की जो डिटेल है बाकी से बिल्कुल मैच नहीं करती है, वो उसका बहुत ही विशिष्ट पहचान होती है। इस आधार पर पहचाना जाता है कि ये अंडा डायनासोर का है या नहीं है, है तो किस डायनासोर का है, उस आधार पर पहचाना गया कि ये सारे अंडे जो इस तरह की चट्टानों में इस डायनासोर फॉसिल पार्क बाघ एरिया में मिल रहे हैं ये टाइटेनोसॉर डायनासोर के अंडे हैं, बड़े साइज़ के अंडे हैं जिनको मेगालोलिथस बोलते हैं। बाघ में चूना पत्थर के ऊपर मिलने वाली जिन ऊपरी चट्टानों को हमने देखा, ये उसका सरफेस है, जो ऊपरी सरफेस है, इस ऊपरी सरफेस में डायनासोर के अंडों का नेचुरल ऑकरेंस कैसा दिखता है इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम चट्टानों को देखते हैं तो इस तरह से छल्ले नुमा बड़े आपको छल्ले नुमा रचनाएं दिखाई देती हैं, और इनका आकार लगभग 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के आसपास का जो सामान्यतः दिखाई देता है। ये जो आकार है ये बड़े डायनासोर के अंडों का है, जो मेगालोलिथस जिनको हम बोलते हैं। दूसरा, जब आप, हो सकता है कि किसी और कारणों से चट्टानें बनी हो, तो जब आप इनके जो छल्ले नुमा रचना है उसको पास से देखेंगे तो आपको उसमें धारीदार बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई देंगे, है ना, कुछ धारियाँ कुछ स्ट्रक्चर डिटेल दिखेगी, वो जो उसमें दिखाई देगी वो सभी में आपको दिखाई देगी। तो यदि
ये अंडे के छिलके हैं तो उसमें अंडों के छिलकों की डिटेल आपको दिखाई देती है। तो ये हमारी पहली संभावना हो जाती है। कभी कभी हमको इसके ऊपर का हिस्सा, ऊपरी सरफेस है, एक्सेल में हमको देखिए इसका इसका जो है निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसमें हमको ऊपरी हिस्सा छिलकों का, ये हैचिंग के बाद ये आप देख सकते हैं एक छिलका है, दूसरा हिस्सा स्लाइड कर गया है अंडे का, और ये कुछ छिलके ऊपर कोलैप्स कर गए हैं, गिर गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस पर दानेदार रचनाएं दिखाई देती हैं। तो शाकाहारी डायनासोर जो यहाँ पर मिलते हैं उनमें उनके अंडे ज़्यादातर गोल होते हैं, और दूसरा उनके छिलकों के ऊपर भी जो डिटेल होती है, जो टेक्सचर होता है, वो दानेदार गोल गोल इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो मोटे तौर पे ये अंडों की पहचान होती है। इन छिलकों को जब हम निकालते हैं और इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हर डायनासोर के अंडों का जो शेल का डिटेल होता है वो अलग अलग होता है। इस आधार पर पहचाना जाता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी डायनासोर है। पहली बात तो डायनासोर है या नहीं है, और है तो कौन सा डायनासोर है, ये छिलकों के आधार पर बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। हमारा जो खुद का अपना प्लैनेट है, जिसके हम बाशिंदे हैं, जिसके हम पैदाइश हैं, इस धरती ग्रह की यदि आप दास्तान को देखें तो डायनासोर्स ने सबसे लंबे समय तक यहाँ पर रहे, शासन किया है। दूसरा, ये एक्सट्रीम साइज़ जो लाइफ का जो एक्सट्रीम साइज़ है पूरे लाइफ के इवोल्यूशन में, जो हमारे प्लैनेट पर जो लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, तो एक्सट्रीम साइज़ जो है उस प्लैनेट की बहुत सारे जो फिजिकल जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है कि क्यों इससे बड़ा नहीं हुआ, इतने बड़े पर आकर क्यों रुक गया। अंडों का जो साइज़ है, ये अंडों का साइज़ जो एक्सट्रीम साइज़ की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है, उनके शरीर जो शाकाहारी डायनासोर थे बड़े पर्वताकार होते थे, तो उनका जो साइज़ है वो अपने आप में हमारे ग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इस तरह से जितने भी एक्सट्रीम साइज़ होते हैं वो किसी न किसी फिजिकल इन्वायरमेंट उसके बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा, जो डायनासोर्स हैं ये केवल एक युग में नहीं, जैसा आप जानते होंगे जुरासिक में या क्रिटिशियस में, क्रिटिशियस के भी हिस्से हैं काल के, अलग अलग सीनरियों में ये सर्वाइव करते रहे, और डायनासोर की कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। जो थेरापॉड्स हैं या रेप्टर्स हैं या जो भी इस तरह के मांसाहारी डायनासोर के कुछ जो हैं इवोल्यूशन में आज हम बदले रूप में देख पाते हैं, और इससे पहले हम जो है जिससे इवॉल्व हो गया है देख पाते हैं। तो एक तरह से जब भी हम जीवन को याद करते हैं, जीवन के विकास को याद करते हैं, डायनासोर अपने आकार की वजह से सबसे पहले हमारे सामने आ जाते हैं, और विकास का वो अपने आप में केंद्र बन जाते हैं, और वो बताते हैं कि पक्षी हमसे इवॉल्व हुए, वो बताते हैं कि हम जो मगरमच्छ है उससे मिलते जुलते जीवों से, हम समुद्र से निकले जीवों से इवॉल्व हुए, और वो पूरे जीवन का विकास का केंद्र बन जाते हैं। और हमको पूरी कहानी को, तो ये जो पूरे चैप्टर्स हैं विकास के, हमको एक सूत्र में पिरो कर देखने में मदद करते हैं। तो इनका आकर्षण है, इनको याद करना, इनकी रिकॉलिंग इनके साइज़ की वजह से बहुत आसान होती है, और ये हमारे भीतर की ज़रूरत है। आप देखेंगे जहाँ भी टूरिज्म चलता है, डायनासोर एक ब्रांड है साइंस को पॉपुलराइज़ करने के लिए, जियो टूरिज़्म चलाने के लिए, और जीवन के प्रति दर्शन पैदा करने के लिए कि हम जो है हम उस कड़ी का हिस्सा हैं, डायनासोर हमसे जुदा नहीं है, हम सब जीवन के विकास का एक हिस्सा हैं। और ये जो दर्शन है आपको इस धरती को बचाने में, इन साइट्स को बचाने में, और किस तरह से जिया जाए, हमारा बायोलॉजिकल डेस्टिनेशन क्या है, किस तरह से हमको रहा जाए मिलजुल कर एक तंत्र के तौर पे, एक सिस्टम, वो सब हमको मदद करता है। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने आसान और सरल शब्दों में हमारे जो दर्शक हैं उनको एक ऐसी कहानी को बताया है। आप लोगों ने ये पूरी स्टोरी देखी है कि डायनासोर के पहले और डायनासोर जिस समय मौजूद थे और उनके ख़त्म होने की जो कहानी है, जो इन चट्टानों पर कहीं कहीं अंकित है, उसको साक्ष्य के आधार पर और तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक पूरा पीरियड दिखाया है सृष्टि के इस क्रम को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी स्टोरी में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हम फिर खंगालेंगे इस इतिहास को और इतिहास से पुरानी बातों को। आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किसी जगह पर फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद।